इधर कन्नौज में एक गरीब परिवार की बेटी अग्निवीर बनी है। अर्रावारी मोहल्ले की रहने वाली जानवी कुशवाहा का चयन नेवी में हुआ है। एनसीसी की छात्रा जानवी ने साल 2023 में अग्निवीर बनने के लिए परीक्षा दी थी। अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर आज कन्नौज लौटने पर नगर वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समाज सेवी और योगी सेना के अध्यक्ष पवन पांडे ने हर माला पहनाकर जानवी का स्वागत किया। आपको बता दें कि अग्निवीर में चयनित होने वाली जानवी कुशवाहा के पिता ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। नेवी में हुआ है अग्निवीर की भर्ती 2023 की सेकंड बेस में, उसमें मेरा भर्ती में हुआ है। एनसीसी के जरिए हुआ है, एनसीसी सीट से मैंने ज्वाइनिंग ली है इसमें। और बचपन से स्काउट गाइड मैंने की और फिर उसके बाद एनसीसी ज्वाइन की, जिससे मुझे आर्मी में सिलेक्शन मिला था। फिर उसके बाद मैंने नेवी में सिलेक्शन लिया और अभी मैं सेलर के रूप में नेवी में काम कर रही हूँ। और अभी मैं बेसिक ट्रेनिंग कम्प्लीट करके अभी घर आई हूँ। साहिब तो इतना है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। और आंसू आ गए थे जब मेरी बेटी ने कदम रखा था घर पे, कि हमने आज, हमारी तीन बेटियां हैं जिसमें ये सबसे बड़ी है और इससे भी एक छोटी है और उससे भी एक छोटी है। हमारे तीनों बेटियां हमारे बेटों के बराबर हैं। कि लोग कहते हैं कि बेटियां हैं बेटियां, बेटियों वाले कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज बेटियों के जरिए हमने ये दिखाना चाहा कि समाज में जो लोग बेटियों को नीचे रखना चाहते हैं वो लोग जो है अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और उन बेटियों को कमज़ोर ना समझें, और बेटियों के द्वारा ही हमारा समाज चलता है। वो वजह केवल ये थी कि उन्होंने जो हमारे पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को आज साकार किया है। बाबा साहब का एक ही माने कहना था कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा और जब शिक्षित होगा तो उसे किसी के आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि जो हमें संविधान ने ताकत दी है उसको अपने आप मिल जाएंगी। ऐसा इस बेटी ने नाम पूरे समाज का रोशन किया है और हमारे कन्नौज का नाम रोशन किया है। इसके लिए हम लोग इसको बधाई देने यहाँ आए हुए थे।